देश के अंदर आम आदमी पार्टी एक बदलाव की राजनीति की बात करने वाली पार्टी, दिल्ली के अंदर सत्ता हासिल करने के लिए जो पार्टी यह बोलकर आई थी कि हम करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम औरतों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम करप्ट लोगों को सिस्टम से बाहर निकालेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी ये कहकर सत्ता में आए थे कि हमारा कोई मंत्री, हमारा कोई एमएलए, हम उसको टिकट ही नहीं देंगे जिसके ऊपर कोई केस हो। आपको याद हो, ये बार बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा और लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की। आज वही पार्टी, देश की सबसे करप्ट पार्टी, आज वही पार्टी के अंदर मंत्री पद लेने के लिए यह क्राइटेरिया बन गया कि या तो आप करप्ट हो, आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो, तभी आप आम आदमी पार्टी के मंत्री, एमएलए या एमपी बन सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नए बने मंत्री बलबीर सिंह की। आपको याद हो, पंजाब में 92 एमएलओं के साथ आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई तो इसी बदलाव के साथ आई कि पंजाब में हम करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन जैसे ही सरकार बनी, सबसे पहले विजय सिंगला जो 5 लाख रुपया लेता पकड़ा गया, उसके बाद फौजा सिंह सरारी जिसकी 4 महीनों से ऑडियो बाजार में घूम रही है, जो अफसरों से वसूली करने की बात अपने फोन पर कर रहा है। अब पंजाब के लोगों ने जब इतना दबाव बनाया, पंजाब के विपक्ष ने, पंजाब के जन जन ने, और अरविंद केजरीवाल के लिए मजबूरी होगी अपना चेहरा छुपाने के लिए फौजा सिंह सरारी से कल इस्तीफा लिया गया, लेकिन क्राइटेरिया नहीं बदला गया। इस्तीफा तो ले लिया गया, लेकिन मापदंड वही रहा कि अगर आप पैसे कमाते हैं, करप्ट हैं, क्रिमिनल हैं, तो ही आप मंत्री बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के या तो नेता जेल में हैं या बेल पे हैं। अब दोबारा से जिसको 3 साल सजा हुई, ऐसे बलबीर सिंह को मंत्री बनाया गया जिसको 3 साल की सजा जाप्ता है, एक्यूज्ड क्रिमिनल है। ना केवल उसको सजा हुई, बल्कि सजा भी किस केस में हुई? एक औरत के ऊपर हमला, असॉल्ट केस, वो भी औरत के ऊपर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी औरतों के नाम के ऊपर राजनीति करती है, औरतों की सुरक्षा के ऊपर वोट ली थी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर 2013 में, जब निर्भया के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला हुआ, और आज आम आदमी पार्टी उन लोगों को मंत्री बना रही है जो लोग औरतों पे हमला करके सजा याफ्ता अक्यूज्ड हैं। ऐसे बलबीर सिंह को आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर मंत्री बनाने का काम किया है, हेल्थ मिनिस्टर। कितने हेल्थ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के जेल में हैं? सतेंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर जेल में है, विजय सिंगला अभी बेल पर है, और ये निरंतर चलती आ रही बात है, कोई एक नहीं है। आम आदमी पार्टी केवल और केवल करप्शन में लिप्त लोगों को ही क्यों मंत्री पद और एमएलए एमपी बना रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को पैसे की इतनी लालसा है, इतनी भूख उनको पैसे की हो चुकी, पैसा इकट्ठा करने की। अब देखिए, एक के बाद एक स्कैम, और वो सारे लोग आज मंत्री हैं। बस स्कैम करने वाला, एक्साइज स्कैम करने वाला मनीष सिसोदिया मंत्री है, बस स्कैम करने वाला कैलाश गहलोत मंत्री है, और पहले जिन जिन लोगों को इन्होंने ये कहा कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, अब याद कीजिए, इससे पहले जितेंद्र तोमर, असीम अहमद खान, संदीप कुमार, और संदीप कुमार का तो अगर आपको केस याद हो, संदीप कुमार को इन्होंने कहा था महात्मा गांधी से तुलना की थी उनकी, और अब सतेंद्र जैन को भारत रत्न देने की बात की। आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है कि सभी केवल और केवल क्रिमिनल लोग, पैसा इकट्ठा करने वाले लोग, करप्ट लोग, जो बेईमानी के, करप्शन के केसेस में पकड़े जाते हैं, उन्हीं को मंत्री पद, उन्हीं को बड़े औहदों पे। आप सोचकर देखिए, जिसकी वीडियो आ जाती है करप्शन की, वो मंत्री बन जाता है। अब आप इससे पहले देख लीजिए, कॉरपोरेशन में लीडर ऑफ हाउस किसको बनाया,
जिसकी 1 करोड़ रुपया लेते की ऑडियो बाजार में जनतक है वीडियो, जिसकी 1 करोड़ रुपया निगम में पैसे लेते मांगने की ऑडियो और वीडियो बाजार में घूम रही है, ऐसे आदमी को निगम का अध्यक्ष बनाया गया, लीडर ऑफ हाउस बनाया गया। जिस मंत्री को 3 साल की सजा हो चुकी है बलबीर सिंह को, उसको मंत्री बनाया गया। फौजा सिंह सरारिया जिसकी ऑडियो बाहर आ चुकी है, उसको 4 महीनों तक मंत्री पद से इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि वो पैसे इकट्ठे करके देता है, इनका कमाऊ पूत है। और एक नहीं, मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी केवल और केवल करप्शन और बेईमान लोगों की पार्टी बन चुकी है। भ्रष्ट लोगों का मंत्री बनाया जाता है और ईमानदारी का ढोल पीटा जाता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सत्येंद्र जैन देश का अकेला ऐसा मंत्री है, देश का 75 साल के इतिहास में सत्येंद्र जैन अकेला ऐसा मंत्री है जिसके ऊपर एक नहीं अनेक केस हैं करप्शन के, हवाले के, पैसे लेने के, एक्साइज में पैसे लेने के, इसके बावजूद वो मंत्री बना हुआ है। उसकी वीडियो और ऑडियो भी बाहर आ चुकी हैं, वो किस तरह पॉस्को के एम्प्लॉय से, पॉस्को के अक्यूज से, जिसने अपने बेटी का बलात्कार किया उसे मालिश करा रहा है, जेल के अधिकारियों को धमका रहा है, लेकिन फिर भी वो मंत्री बना हुआ है। इसलिए मैं अपने लोगों को, आज ये देश के लोगों को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल एक बहरूपिया है, अरविंद केजरीवाल पैसे का पीर है, अरविंद केजरीवाल को रात और दिन सपने में भी पैसे ही दिखते हैं, अरविंद केजरीवाल केवल और केवल एक मापदंड पे टिकट देता है, एक ही मापदंड पे मंत्री बनाता है कि आप पैसा लाओ मंत्री बन जाओ, पैसा लाओ टिकट ले जाओ, और हर चीज का रेट तय कर रखा है। हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी से, ये बलबीर सिंह से कितने पैसे लेकर उनको मंत्री बनाया, जिसके ऊपर औरतों के साथ मारपीट करने की 3 साल की सजा हुई है, ऐसे आदमी को मंत्री बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कितने पैसे लिए, आज देश आपसे ये सवाल पूछ रहा है। और घोटालों पे घोटाले, राशन घोटाला, बस घोटाला, स्कूल घोटाला, एक्साइज घोटाला, बिजली घोटाला, अरविंद केजरीवाल जी देश की सबसे करप्ट सरकार के आप मुखिया हैं और